सभी आर्मी लवर भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता होगा कि अग्निवीर रैली भर्तियां शुरू हो चुकी हैं और मैं आपको इस वीडियो में 1600 मीटर रनिंग ट्रैक में आपको कैसे दौड़ना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि आपको 400 मीटर फास्ट राउंड कितने मिनट में आपको कवर करना है। चारों राउंडों का आपको टाइम बताऊँगा जिससे कि आप अपनी रनिंग को 5 से 5.5 मिनट में ही आप क्वालिफाई कर सकें, जिससे कि आप फास्ट ग्रोथ में आ सकें और आपको रनिंग के पूरे 60 मार्क मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है कि 400 मीटर का ग्राउंड होता है और हमें उसके 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ध्यान से सुनना जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं ग्राउंड के स्टार्टिंग पॉइंट की। आपको पता होगा कि एक ग्रुप में 200 से 250 कैंडिडेट दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो अब आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल पास में ही रहना है, तो आपका वही टाइम आएगा जो आपने प्रैक्टिस की होगी। यदि आप पीछे रहते हो तो समझ लेना कि आपके 10 से 15 सेकंड बर्बाद होना ही है। स्टार्टिंग लाइन के बिल्कुल पास बैठे होंगे तो आप 15 सेकंड आगे निकल जाएंगे। अगर आप स्टार्ट लाइन के सबसे पीछे हो तो आपको स्टार्ट लाइन तक आने में लगभग 10 सेकंड लग जाएंगे, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि सबसे आगे आने की। अगर आप पीछे भी हो, अगर आपका टाइम 5:15 है तो समझ लीजिए कि आपका टाइम 5:30 आना ही है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही गो होता है आपको एकदम से पूरी ताकत नहीं लगाना है, जिसको आगे जाना है जाने दो। कुछ लोग नए नए आते हैं और जोश में वो आगे तो निकल जाते हैं लेकिन वो 300 मीटर में ही पीछे हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से आप फुल स्पीड में दौड़ते हो तो आपका स्टेमिना एक राउंड में ही खत्म हो जाएगा। आपको मैं टाइम भी बता देता हूं कि आपको फास्ट लैप 1:10 में, और दूसरा भी आपको सेम यही रखना है, 1:10 से 1:12 भी हो सकता है। और जब तीसरा राउंड होगा इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप 1:15 में पूरा कर लेंगे। और लास्ट लैप में होगा उसमें आपको बॉडी पर 100% इफेक्ट डालना है, आपको यहाँ पर पूरा दम लगा देना है। इसमें आपको एकदम बिल्कुल हार नहीं मानना है। अब आप अपनी मंजिल के करीब आ चुके हैं और आप विजेता होने वाले हैं, और आप अपने आप को विजेता मानकर ही कंप्लीट करें। यदि आपने जो मैंने टाइमिंग बताई है, अगर आप इतने में ही तीनों राउंड कवर कर लेते हैं तो आपके पास फोर्थ लैप के लिए काफ़ी समय बचा रहेगा और आप 5:30 मिनट में ही आसानी से आप 1600 मीटर कंप्लीट कर लेंगे और आपको रनिंग के 60 मार्क मिल जाएंगे, और आप 40 मार्क बीम लगा के ले सकते हैं, इससे आपको पूरे 100 मार्क मिल जाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातों की, जिसका आपको रनिंग ट्रैक में दौड़ते समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, 400 मीटर रनिंग ट्रैक में दौड़ते समय ये याद रखें कि आपको ग्राउंड के अंदर की तरफ दौड़ना है, ना कि बाहर की ओर। इससे आपके टाइमिंग पर एक स्टेप खराब होता है, तो 4 में 4 स्टेप खराब होते हैं। इस तरह से आपके 4 चक्कर में 16 कदम का नुकसान होता है, इससे आपकी टाइमिंग 10 सेकंड और बढ़ जाएगी, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ज़रूरी बात, प्रैक्टिस करते समय हमेशा ये याद रखें कि एक चक्कर में कितने कदम पड़ते हैं, मन में गिनकर रखें। इसके बाद टाइम और पहले राउंड में कदमों की संख्या से तुलना करके प्रथम राउंड का समय निकालें, और जब आप रैली भर्ती में 400 मीटर ट्रैक में दौड़ें तो इस तरह से आप 1600 मीटर दौड़ने के लिए कितने कदम रखने पड़ेंगे, जो कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर। इस तरह से आपको 1600 मीटर रनिंग ट्रैक में दौड़ने में आसानी होगी और आपकी टाइमिंग भी सही आएगी। तीसरी ज़रूरी बात है कि पहले आपको 50 मीटर तक थोड़ी ज़्यादा स्पीड में दौड़ना है, जिससे आप भीड़ में ना फंसें, और 50 मीटर के बाद आपको अपनी समान स्पीड में आ जाना है। चौथी जरूरी बात, रैली भर्ती के लिए अच्छे रनिंग शूज खरीदें तथा उन्हें फिजिकली कुछ दिन यूज करें, ताकि रैली भर्ती वाले दिन तक वो अच्छे से फिट हो जाएं। कुछ लोग शूज को जरूरी नहीं समझते, लेकिन याद रखें रनिंग शूज हल्के तथा अच्छे सोल होने से 5 मीटर तक का डिस्टेंस डालते हैं, और यही 5 मीटर आपको पहले या सेकेंड ग्रुप में डाल सकते हैं, इसलिए आप शूज का भी विशेष ध्यान रखें। 5वीं जरूरी बात, संभव हो सके तो आप रनिंग से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप या स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। और 6वां है, ग्रुप में सबसे आगे खड़े होने की कोशिश करें, क्योंकि पीछे वाले कैंडिडेट को भीड़ से बाहर निकलने में 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं। बहुत बार कैंडिडेट भीड़ में आगे निकलते समय गिर जाते हैं, इसलिए इन सब से बचने के लिए आगे खड़े होना चाहिए। और 7वां है, सेकेंड राउंड के बाद अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें और एक आगे वाले धावक को पीछे छोड़ने की कोशिश करें, इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। 8वां है, दौड़ते समय अपने आप को चेस्ट अप रखें और अपने आप को विजेता मानकर ही दौड़ें, और बेसब्री से आदेश का इंतजार करें और जैसे ही गो होता है सबके साथ दौड़ना शुरू करें।
नौमा, दौड़ते समय एक भी कदम खराब ना होने दें, ना हताश होना चाहिए, जो आपके विजय का प्रतीक है। दसवां, अपने मन में अपने आप को विजेता माने और अपने आप पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आपकी रनिंग निश्चित ही क्वालिफाई होगी, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका सिलेक्शन हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।